गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सर शशांक त्रिपाठी फ्रॉम पानियर मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लखपेड़ावार वाला। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल बुक द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह है रिटन अबाउट his grandmother and grandfather in this title. The portrait of a lady, the lady which is mentioned here is poet's grandmother. What was her outlook and behavior is explained thoroughly by the Khushwant Singh by the writer Khushwant Singh in this chapter. In this chapter, you will see that how much the writer know deeply about his family and his grandmother and grandfather. In some time in this chapter, he also compared about the beauty and charm of his grandfather and grandmother. According to him, his grandfather looked elder or older than his grandmother. His grandmother was very beautiful, while his grandfather looks very old. As we read this chapter, line to line explanation. My grandmother, like everybody's grandmother. लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ ठीक उसी प्रकार जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, was an old woman, एक बूढ़ी स्त्री थी। She had been old and wrinkled for the 20 years. पिछले 20 वर्षों से वह बूढ़ी हो गई थी and wrinkled. WRINKLED रिंकल्ड हमारे बता है से हो जाए, इसकी जो हमारी होती है जब वो सिकुड़ जाती है, जो त्वचा सिकुड़ जाती है उसी को हम कहते हैं रिंकल्ड हो गई थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता हूँ पिछले 20 वर्षों से उसकी त्वचा कुछ सिकुड़ने लगी थी। पीपल से लोग कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग, जब वो कभी जवान थी, यंग थी, एंड प्रेटी बहुत सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना कठिन है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस माने होता है मेंटल, जो आपने देखा होगा अंगीठी होती है, जो अंगीठी होती है उसके ऊपर की डेकोरेशन, मेंटल्स डेकोरेशन। एक अंगीठी होती है जो लोग रखते हैं घरों में उषमा के लिए, उसको ऊपर की जो डेकोरेशन होती है उसको कहते हैं मेंटल पीस। उस मेंटल पीस के ऊपर पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वो किसका था? दादाजी का। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी दाढ़ी सीने के मुख्य भाग को स्पर्श करती थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह कम से कम 100 वर्ष के मालूम पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, और ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे जिनकी पत्नी या बच्चे हों। बहुत दादाजी टाइप लगते थे, इसलिए लगता था कि जैसे वो
बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, उनकी पत्नी और बच्चे नहीं बल्कि नाती पोते जैसे उम्र हो गई थी। ये लोग रहे रिकॉर्ड ओनली है लार्स एंड लार्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, केवल यही दिखता था उनको देखकर कि जैसे वो बहुत ज़्यादा उनके नाती पोते हों। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी माँ माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, बहुत सुंदर और यंग थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये विचार हमेशा विद्रोही टाइप का था, रिवोल्ट वाले होता है ना। नॉट रेडी टू एडमिट, स्वीकार करने में तैयार ना होना। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, अक्सर वो मुझे बताया करती थी उनके खेलों के बारे में जो वो बचपन में खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवर्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, जो कि बिल्कुल बेकार प्रतीत होते थे बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कारण के, एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, जिनकी कोई विशेषता ना हो। आर हर पार्ट, उनके हिसाब से, एंड वी ट्रीटेड इट, और हमें ऐसा लगता था कि जैसे द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज्ड टू टेल अस, जैसे कि वह किसी विश्व वक्ता के, प्रोफेट्स बने होता है फोरटेलर, पी आर ओ टी एच ई टी एस मीन्स होता है फोरटेलर, भविष्य वक्ता, जो कि फ्यूचर के बारे में बताते हैं। She had always been short and fat, slightly bent. वह हमेशा छोटी हल्की सी हृदय and थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर वो wrinkles, अभी आपने देखा wrinkles, seared skin, जो स्लेड स्पेशली वह चेहरे पर इधर से उधर दौड़ती हुई दिखाई पड़ रहे थे। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं मुझे लगता है वो हमेशा ऐसे थी जैसा कि मैंने जानता हूँ। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। And had stayed at the same age for 20 years. और 20 साल से जब से मैं देख रहा हूँ उनको तब से उसी उम्र में वो हैं। She could never have been pretty. वह कभी सुंदर नहीं थी, रही होंगी, मतलब एक पोएट इमेजिनेशन कर रहा है। But she was always beautiful. लेकिन वह सुंदर हमेशा थी। प्रिटी मैंने होता है बहुत चार्मिंग होना, आकर्षक होना, लेकिन सुंदर थी। सी hovered अबाउट द हाउस इन spotless white विद वन हैंड resting ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टोक एंड टू अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। यहाँ पर आप देखेंगे hovered, hovered हमारे होता है मूवमेंट, हावर्ड मीन्स वॉकिंग लाइक अ वंडेड, पर्सन या फिर लंगड़ा कर चला, जैसे लोग लंगड़ा कर चलते हैं, जैसे बूढ़े लोग थोड़ा ऐसे लंगड़ा भी सकते हैं, उस तरह से वो चलते थे। सी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका उनकी कमर पर होता था बैलेंस बनाने के लिए हर स्टोक कदमों का, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स माने होता है मन के, बीट्स वर्ड बताया है बीट्स
एंड रोजली बोथ वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर वीड्स रोजली वीड्स मीन्स होता है पर्ल्स या मलिका जिसे कहते हैं जो माले माला में पड़े होते रोजली माले ही आ रहा है जो चैंटिंग गाइडलाइन होती है जिसको लोग पढ़ा करते हैं मंत्र जपा करते हैं जाप करने के लिए उसकी जो एक एक मनका होती है उसको बीट्स कहते हैं तो बीट्स को एक हाथ से वो चलाया करते थे हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेयर पकर्ड फेस पी पकर्ड पी यू सी के ई आर यू डी पकड़ माने होता है पकड़ा पिचका हुआ तो उनके जो मुस्कान थी वो तैरती रहती थी सिल्वर लॉक्स पर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेयर पीले हल्के पीले कमजोर पकर्ड फेस पिचके हुए गालों चेहरों पर एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर और उनके ओंठों से हमेशा ना सुनाई पड़ने वाली प्रेयर हमेशा निकला करती थी हाँ सी वाज ब्यूटीफुल वह सुंदर थी सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेंस ठीक उसी प्रकार थी जैसे कि शाम के समय जो पर्वतीय पृष्ठभूमि होती है जो सूर्य के निकलने की छाया उस पर पड़ती है उस अस्त होने की उसी प्रकार वो दिखाई पड़ती थी एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी सेरेनिटी मीन्स होता है बिल्कुल शांत वातावरण कामनेस एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर सेरेनिटी वाइट सेरेनिटी बिल्कुल दूधिया शांत वातावरण ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट जो कि शांति और संतुष्ट की भावना को ब्रीद कर रहा हो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी मेरे माता पिता ने मुझको उनके साथ छोड़ दिया जब वो शहर में रहने लगे एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर और हम एक साथ वहीं पर रहते थे She used to wake me up in the morning वह मुझे सुबह जगाया करती थी and get me ready for school और स्कूल के लिए तैयार करती थी She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart जब वो मुझे नहलाती तैयार करती जब खुद नहाती तो एक बेसुरी धुन में monotonous जिसको सुनने में अच्छा ना लगे उस लय में एक प्रेयर गाया करती थी इस उम्मीद से कि मैं उसको सुनकर बाई हार्ट याद कर लूँ उसको आई लिस्टेंड मैं सुनता था क्योंकि आई लर्न हर वॉइस मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट लेकिन कभी उस सुनकर मैंने बहुत परेशान नहीं हुआ बॉदर्ड मैंने होता सहन करना परेशान होना परेशान नहीं हुआ Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. और फिर वो मेरी स्लेट उठाती थी जिसको कि वो धुल कर साफ रखती थी and plastered with yellow chalk. येलो चाक के साथ प्लास्टर्ड रखती थी छाप उस पर बनाया करती थी एंड टिनी अर्थन इंक पॉट एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट और एक लाल पेन कलम टाई देम आल इन अ बंडल उन सबको एक बंडल में बांध देती थी और मुझे पकड़ा देती थी हैंड इट टू मी आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती और नाश्ता करने के बाद जो नाश्ता किया होता था एक मोटी बासी रोटी विद अ लिटिल बटर थोड़े से मक्खन के साथ और उसके ऊपर चीनी भी बिखेर दिया करती थी We went to school, हम स्कूल जाते थे She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और वह अपने साथ कुछ बासी रोटियाँ गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाया करती थी ऐसी उनकी रूटीन थी जो मेरे साथ करते थे
नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी टाइटल्स के द्वारा आपने पढ़ा, पोर्ट्रेट आपने रेडी, बहुत अच्छा आपको लगा होगा पढ़कर, और पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा पूरा लेसन। आई होप यू विल एंजॉय योर दिस लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। थैंक यू।